हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुलीन फैशन वाइब्स। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, वेल एंड गुड होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए कुछ हॉल्स लेकर आई थी। पहले मैंने आपके लिए लेकर आई थी नाइट सूट हॉल, उसके बाद मैं स्लीपर हॉल लेकर आई थी जो वो मैन एंड वुमेन का ही था, और इस वीडियो के अंदर भी मैं एक हॉल लेकर आई हूँ, बट वो भी मीशो का ही है। मैंने सोचा आपने पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा सभी ने प्यार दिया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक और हॉल लेकर आऊँ। तो उसी के बनते मैंने भी आपके लिए ये हॉल आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप इस हॉल को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग कलेक्शन लेकर आई हूँ और बहुत ही अफोर्डेबल है, रिजनेबल प्राइस में है। और स्टफ़ क्वालिटी का अगर मैं बताऊँ तो स्टफ़ क्वालिटी की बस आप बात ही मत करो। स्टफ़ क्वालिटी इतनी सॉफ्ट है वेयर करने के अंदर, और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं जो मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की क्वालिटी में डिज़ाइंस मिलेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपके साथ कलेक्शन शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो लाइट कलर में है, मुझे ये बहुत ही पसंद आया। सबसे पहला मैं आपको नाइट सूट शेयर करती हूँ, कुछ इस तरह का है इसका डिज़ाइन, और इसको स्टफ इतना सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, इस तरह का डिज़ाइन है, इसकी स्लीव्स इस तरह की है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, और इसकी जो बैक है वो कुछ इस तरह की है, और इसका बहुत ही प्यारा जैसे इस तरह का हर्ट्स का डिज़ाइन बना हुआ है इसके अंदर, और इसका जो कलर है ना लाइट लेमन कलर में आ जाता है, जैसे बहुत ही प्यारा स्टफ है इसका, और वियर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आप इसको इजिली वियर कर सकते हैं। इसका साइज एम साइज है, और इसका जो लोअर है वो कुछ इस तरह का है, लाइनिंग में है। इसका स्टफ देखिए आप, इसका जो लोअर है वो इस तरह से है, जो इसकी नीज है वो ओपन में है इस तरह से, और इस तरह का डिजाइन है इसका। थोड़ा सा जैसे स्टफ है, थोड़ा सा जैसे मतलब हाइलाइटिंग जैसे चमक में है थोड़ा सा। ये था हमारा फर्स्ट नाइट सूट, और ये अंडर रेंज नियर अबाउट 700 के रेंज में है, ठीक है। और मैं आपको सारी डिटेल्स जो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगी, और कोड वगैरह मैं आपको उसी में दूंगी, आप वहाँ से जाके इजिली बाय कर सकते हैं। और सेकेंड वन कलेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही प्यारा है वियर करने में, और इसका स्टफ सो उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है जो मैंने आपको फर्स्ट वाला दिखाया है। ये देखिए पूरा फिटिंग में है ये वाला, और इसकी जो आगे नीज है वो इस तरह की है स्लीव्स, अगर मैं स्टफ क्वालिटी की बात करती हूँ तो स्टफ माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वेयर करने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और आपको इतनी प्राइस के अंदर कहीं से भी नहीं मिलेंगे इस तरह के नाइट सूट। और इसकी जो बैक है वो इस तरह की है, और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में है ये वाले। आपको कोई भी नाइट सूट इस तरह के आपको किसी भी शॉपिंग साइट से नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको मीशो से मिलेंगे, और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही डिमांडेबल प्रोडक्ट है और ट्रस्टेबल भी प्रोडक्ट है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी बाय करिए, अदरवाइज़ अगर ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो ये प्रोडक्ट दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। टी शर्ट
और इसका जो लोअर है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो थोड़ा प्रिंटेड स्टफ के अंदर है, ये थोड़ा प्लेन में है, वो कुछ इस तरह का है। इसका स्टफ भी बहुत सॉफ्ट है और वियर करने में बहुत कंफर्टेबल है, स्ट्रेचेबल है। और इनका जो नीचे से पैर में फुट में है वो कुछ इस तरह का है, इसके नीचे भी वैसे ही बना हुआ है जिस तरह के टॉप के ऊपर बना हुआ है। ये था सेकेंड वन, ये भी अंडर इसी के रेंज के अंदर है, 700 के नियर अबाउट रेंज के अंदर है ये भी, तो आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसमें साइज जो है वो साइज बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि साइज एग्जैक्टली वो साइज मिलता नहीं है, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता तो काफ़ी टाइम तक वो साइज मिलता भी नहीं है। अगर ये पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो कभी पता भी नहीं है तो कब आएगा ये नया स्टॉक, सेम हमें क्वालिटी कभी मिलती भी नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी जाइए ज़रूर बाय करना। और मैं आपको दिखाती हूँ थर्ड वन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो कुछ इस तरह का है। ये है थोड़ा बैलून स्टाइल में, इसका स्टफ जो है वो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा हैवी है, वो थोड़ा लाइट वेट में, ये थोड़ा हैवी में है। और इसकी नीज जो है वो इस तरह की है, आगे से बेंड है इस तरह से बनी हुई है। और इसका नेक डिजाइन की बात करूं तो नेक डिजाइन इस तरह का है, बॉट नेक है ये वाला, और यहाँ पे कुछ डिजाइन बनाया हुआ है। और ये इसका जो डिजाइन है वो बैलून स्टाइल में है, सिंपल है बट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लुक्स लाइक टेडी बियर। इसको भी ये करने में थोड़ा टेडी बियर जैसा लगता है, बहुत प्यारा है ये भी डिज़ाइन, कंफर्टेबल है। और इसकी रेंज भी नियर अबाउट इसी के अकॉर्डिंग ही है। और इसका जो स्टफ है बहुत हैवी भी है, और इसका जो लोअर है वो कुछ इस तरह का है। स्ट्रेचेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसको कोई मतलब हेल्थी पर्सन भी वियर कर सकता है ये वाला। ये इसके नीज है फुट की, उसके ऊपर भी वही डिजाइन बनाया है जैसे हमारे स्लीव्स के ऊपर बना हुआ है, तो इस तरह से है। तो ये था हमारे 3 नाइट सूट्स कंप्लीट हो गए। और लास्ट वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो मैंने बाय किया था लेकिन उसका वो सिंगल नहीं है, वो कॉम्बो सेट था तो मैंने बाय किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका भी स्टफ देखूँ। इन सभी का स्टफ जो है वो अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है, इन दिनों में आप इसको इजीली वियर कर सकते हैं। और लास्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके 2 कलर है नाइट सूट के, ये उसका लोअर है, इसका स्टफ थोड़ा सा हल्का है उससे, बट ये भी स्ट्रेचेबल है, वियर करने में भी बहुत कंफर्टेबल है, बट उसके स्टफ के अकॉर्डिंग इस स्टफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो थोड़ा हैवी में है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी में है और इसका स्टफ भी हल्का है। ये देखिए, ये है लोअर, और इसकी टी शर्ट है, टी शर्ट दिखाती हूँ आपको, वो कुछ इस तरह का डिजाइन है, बहुत ही लाइट वेट के अंदर है, अफोर्डेबल भी है, अगर कोई बाय करना चाहता है तो इसको इजीली बाय कर सकता है। इसका कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो उनका जो स्टफ क्वालिटी है वो थोड़ी हैवी है और अच्छी है, और उसका प्राइस भी 700 के नियर अबाउट है। और अगर इसकी बात की जाए, इसका स्टफ थोड़ा हल्का है लेकिन ये कॉम्बो सेट के अंदर है, नियर अबाउट 850 के अंडर है इसकी रेंज।
ये था इसका नेक डिजाइन। इसका नेक डिजाइन थोड़ा बॉट नेक के अंदर है। और इसी के साथ का मैं आपको दिखाती हूँ, बस कलर में डिफरेंस है और डिजाइन में है। ये थोड़ा प्रिंटेड में है, थोड़े डिजाइन बनाए हुए हैं, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो कुछ इस तरह का है। ये इसमें डॉट्स बने हुए हैं। स्टफ क्वालिटी बिल्कुल सेम है और डिजाइनिंग भी सेम है, बस इसका प्रिंट में थोड़ा डिफरेंस है। ये देखिए, और इसका नेक, इसकी स्लीव्स भी इसी तरह की है और इसकी बैक भी इसी तरह की है। तो ये हमारे थे नाइट सूट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैंने इसका रिव्यू भी दिया, आपको कंपैरिजन करके भी बता दिया कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आप कितना अफोर्ड करते हो या आप कितने रेंज के अंदर बाय करना चाहते हो। तो मैंने आपको दोनों तरह के दिखा दिए हैं, आप बाय कर सकते हैं। अब बारी आती है स्लीपर्स की, मैं आपके साथ स्लीपर शेयर करती हूँ। ये है स्लीपर, कुछ इस तरह का है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसको वियर करते हैं ना तो बस हमारे पैरों में ना पता ही नहीं चलता कितनी जन्नत आ जाती है। इतने गर्म है ये वियर करने के अंदर, ये देखिए कितना हैवी स्टफ लगा हुआ है। है ना अच्छी क्वालिटी का। वियर करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको कहीं पे भी वियर करके जा सकते हैं। इन दिनों में आप वियर कर सकते हैं इनको। और इसके जो नीचे वाला स्टफ है ना बहुत ही अच्छा है, और इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मोटा स्टफ लगा हुआ है। कंफर्टेबल भी है, अगर हम मतलब जैसे फॉग वगैरह के दिनों में हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब ठंड लगती है, आगे से भी होता है कि हमारा फेस जो है अच्छे से कवर हो जाए, आईज़ में ना डले कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इसको कैरी करना भी बहुत इजी है, कि वो दूसरी वाली जो कैप हम वियर करते हैं उससे क्या होता है हमारे जो यहाँ पर थोड़ी सी इरिटेशन सी होने लग जाती है, लेकिन अगर हम इस तरह की वियर करते हैं तो लुक्स लाइक थोड़ी डिफरेंट भी लगती है, और इसको कैरी करना भी ईजी है और थोड़ी सॉफ्ट भी होती है, तो आप इसको वियर कर सकते हैं।
बहुत अच्छी है और इसकी कॉस्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो आज की कलेक्शन बस यहीं तक थी, आई होप मेरी कलेक्शन आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको सारे प्रोडक्ट के कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, इसी वजह से मैं आपके लिए सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक और ऐसा हॉल लेकर आऊँ जो मतलब अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा चल रहा है। मीन्स अब विंटर्स आ रही हैं तो सभी को होता है कि हम क्यों ना विंटर्स के नाइट सूट या हम इस तरह की कलेक्शन बाय करें। तो आप ज़रूर इस तरह की कलेक्शन बाय करिए, बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है और आपको इसके साइजेस जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जल्दी जल्दी जाइए और मीशो से जाके इस प्रोडक्ट को बाय करिए, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट सिर्फ आपको मीशो से ही मिलेंगे और किसी साइट से नहीं मिलेंगे। और मैंने आपको बताया हुआ आपको मीशो से ऑर्डर कैसे करना है, पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ आप वहाँ से किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, तो आप वहाँ से जाके इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, यहीं पे समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके लिए नया लेकर आऊँगी। तो अगर जल्दी सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए और ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी तरह से मैं आपके लिए कुछ ऐसा हॉल लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, और आप इस ब्लॉग को ज़रूर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।